So very good morning, students. So we have started the chapter globe, latitude and longitude, and today I am with my globe. So I am also having the globe with me, as I told you yesterday, and I promised you also ki kal main aapko apne globe dikhaungi. So here I am with my globe. So kal bhi humne padha tha कि जो ग्लोब है दैट इज द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. इट्स अ रेप्लिका दैट हेल्प अस टू नो अबाउट द कॉन्टिनेंट्स, दैट हेल्प अस टू नो अबाउट द ओशन, दैट हेल्प अस टू नो अबाउट द कंट्रीज. ठीक है, और जो एक्चुअल शेप क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ. इट्स हम कहते हैं इट्स स्फेरिकल, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल बिकॉज इट इज फ्लैटेंड फ्रॉम द पोल्स. अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो इट इज फ्लैटेंड एंड इट्स बल्जिंग फ्रॉम द सेंटर, दैट वी हैव ऑलरेडी डन. और इस ग्लोब के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में से एक निडल पास थ्रू होती है दैट एक्ट लाइक एक्सिस. इसके लिए मैंने आपको एक्टिविटी भी बताई थी, तो यू कैन स्पिन और यू कैन रोटेट द बैंगल. तो वहां पे भी आपको एक लाइन दिखाई देती है. तो इन द सेम वे जब हम अर्थ को जब अर्थ रोटेट कर रही है तो उसमें भी एक इमेजिनरी लाइन बन जाती है और कहीं ना कहीं वो टिल्टेड हो जाती है. ठीक है, तो वो थोड़ा टिल्ट पे है, थोड़ी वो झुकी हुई है, इट्स टिल्टेड. इफ यू कैन सी द ग्लोब, तो वो ग्लोब भी बिल्कुल सीधा नहीं है, इट्स टिल्टेड और इट्स जस्ट इट्स रोटेट. जब ये अपने एक्सिस पे स्पिन कर रही है इट्स रोटेशन, दैट यू ऑलरेडी नो. And just write down in the chat box the rotation of the earth causes, the rotation of the earth causes. Kushang galat, Prisha right, very good. Kanishka, Manjot, day and night. Okay beta, the rotation of the earth causes day and night. So how much time it takes to complete one rotation? अपने एक्सिस पे घूमने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है? अगेन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, 24 आवर्स. वेरी गुड, दोज हु आर राइटिंग द आंसर, 24 आवर्स. अपने एक्सिस पे जब वो घूमती है तो इट टेक्स 24 आवर्स. ठीक है, अब सपोज आई एम सन. ठीक है, तो मेरे इर्द गिर्द भी ये ऐसे घूमेगी, इट्स मूव अराउंड. तो इसको क्या कहेंगे, ये मूवमेंट क्या हुई, व्हाट इज दिस मूवमेंट कॉल्ड, revolution. Very good. So when the earth moves on its axis, jab wo earth apne axis pe move kar rahi hai, like agar main apne aap ko hi earth maan leti hu, suppose I am earth. So agar main apne ird gird aise ghoom rahi hu, I am moving like this, it means it is rotation. Main apne axis pe ek fixed position pe I am just moving, theek hai, that is rotation. But agar अर्थ है वो सन के चारों तरफ, वो रोटेट भी कर रही है और सन के चारों तरफ घूम भी रही है, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. और रेवोल्यूशन कॉजेस, अगेन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेस सीजन्स. वेरी गुड, सो दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन योर प्रीवियस क्लास, है ना. आपने पढ़ा हुआ है कि डे एंड नाइट आर कॉज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, चेंजेस इन सीजन दैट आर कॉज ड्यू टू द रेवोल्यूशन, दीज आर द टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जैसे हमने एक्सिस के बारे में पढ़ा था कि ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट द इमेजिनरी लाइन्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं, पर सबसे पहले जो अर्थ है, अर्थ के सेंटर में से जो निकलती है, जो मेन जो है हमारी लैटिट्यूड, दैट इज इक्वेटर. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सो इसे हम ग्रेट सर्कल भी कहते हैं. इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड. ठीक है, एंड दीज लैटिट्यूड्स रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है. अगर आप अपना ग्लोब भी देखोगे, यू कैन नोटिस कि आपके ग्लोब में भी आपको कुछ लाइंस देखने को मिलेंगी, बट इन एक्चुअल इन रियलिटी हमारे अर्थ में ऐसी कोई भी लाइंस नहीं है. हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लाइंस बनाई हैं. अब हम ये भी पढ़ेंगे कि ये लाइंस हमें हेल्प कैसे करती हैं.
सो दीज लाइंस जो हम बात करेंगे पैलर्स की, सो दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड दे आर पैलर टू ईच अदर. सो दिस इज इक्वेटर, दिस इज दैट 0 डिग्री. ठीक है, तो यहां पे वी आर हैविंग द लाइक दिस. सो दीज लाइंस आर पैलर टू ईच अदर, तो हम इनको क्या कह देते हैं, पैलर्स ऑफ लैटिट्यूड्स. We can also say parallels of latitudes. ये लाइन एक दूसरे के पैलर भी है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि जो ये पैलर्स हैं ये कितनी हैं. अगर हम इक्वेटर की बात करें तो दिस इज आवर नॉर्थ पोल, दिस इज आवर साउथ पोल. तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेटर, तो जब हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं, दिस इज आवर इक्वेटर, सो इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ. इसने अर्थ को टू इक्वल हाफ में बना दिया है. अबव दैट वी आर हैविंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड उसके बिलो जो हमारा साउथ पोल की तरफ है वी आर हैविंग सदर्न हेमिस्फीयर. अब जो कंट्रीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या जो लैटिट्यूड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उनको हम किस सिंबल के साथ रिलेट करते हैं, विद द सिंबल ऑफ एन. द लैटिट्यूड्स दैट लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसको हम एन के साथ रिलेट करते हैं. द लैटिट्यूड दैट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर उनको हम कैपिटल एस के साथ. पूरा सर्कल, पूरे सर्कल क्या है, 360 डिग्री. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरा इसको हम बात करेंगे तो यहाँ से ये 1/4 है, दैट इज 90 डिग्री. दैट नॉर्थ पोल इज ऑफ 90 डिग्री एंड साउथ पोल इज आल्सो ऑफ 90 डिग्री एंड टोटल 180 लैटिट्यूड्स आर देयर. समटाइम्स वी आल्सो काउंटेड द इक्वेटर, कहीं पे आपको 181 देख सुनने को मिलता है, कहीं पे 180. सो द एक्चुअल नंबर है दैट इज 180 लैटिट्यूड्स आर देयर. अब इन लैटिट्यूड्स के नेम्स भी हैं, देयर आर सम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आल्सो, लाइक जस्ट दिस इज इक्वेटर. अगर हम बात करें दिस इज इक्वेटर, इट इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड एंड इट इज आल्सो नोन एज ग्रेट सर्कल. आपको पता है कि जो ये लैटिट्यूड्स हैं ये कंप्लीट सर्कल्स हैं. ठीक है, अगर आप ग्लोब में भी देखो तो दीज आर द कंप्लीट सर्कल्स. ठीक है, उसके बाद वी आर हैविंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसकी भी डिग्री है, एट व्हाट डिग्री, 23.5 डिग्री. नो, अगर आपने इंडिया पॉलिटिकल मैप देखा होगा, इफ यू आर हैविंग इंडिया पॉलिटिकल मैप यू कैन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आल्सो देयर इन आवर मैप. ना हमारे कंट्री में भी क्रॉस करके जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. नेक्स्ट ये आ गया हमारा आर्कटिक सर्कल, दिस इज आर्कटिक सर्कल. तो इसकी डिग्री क्या है, 66.5 डिग्री. नो, और नॉर्थ पोल की क्या है, यहाँ पे है हमारा 90 डिग्री. अब इक्वेटर से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में वी आर हैविंग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न. अब ये सदर्न हेमिस्फीयर में है तो इसकी डिग्री के साथ हम क्या लिखेंगे, 23.5 डिग्री साउथ. अब यहाँ पे क्या है, दैट इज एंटार्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल. तो इसकी डिग्री क्या है, इट्स 66.5 डिग्री साउथ. अगेन साउथ पोल, दैट इज 90. So these are the one type of imaginary line that are running parallel. और देखा जाए इनकी जो length है, when we move towards, अगर हम equator से pole की तरफ जाते हैं, इनका जो length है, इनका जो size है, they started decreasing. Same नहीं रहता, ठीक है? So they started, उसका length और size है, that started decreasing. अब जो दूसरी lines है, जिसको हम another, जिनको हम बोलते हैं longitude, that run from this is north pole, this is south pole, they run from the poles, north to south, in this way. And these are not the complete circles.
latitudes are the complete circles, longitudes are not the complete circles. तो अब हम इनको हेडिंग भी दे देते हैं. दिस इज लैटिट्यूड एंड दीज आर लॉन्जिट्यूड. अब जब हम इनको पढ़ते हैं, हाउ दीज इमेजिनरी लाइंस आर हेल्पफुल टू अस, हमें ये क्यों हेल्प करती हैं? अब देखो, अगर हमारे पास हमें इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पता हैं, तो वी कैन इजीली कम टू नो अबाउट द क्लाइमेट. हमें क्लाइमेट के बारे में पता लग जाता है अगर हमें लैटिट्यूड्स की नॉलेज है. विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स वी कैन डिवाइड द वर्ल्ड इनटू हीट जोन्स. आपने हीट जोन्स के बारे में पढ़ा होगा, टॉरिड जोन है, फ्रिजिड जोन है, टेम्परेट जोन है. तो लैटिट्यूड्स किस में हेल्प कर रही है? टू नो अबाउट द क्लाइमेट. पर अब ये लॉन्गिट्यूड किसकी हेल्प कर रही है? लॉन्गिट्यूड से क्या पता लगता है? दीस लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू नो द टाइम, टाइम ऑफ अ प्लेस. ठीक है, लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू नो द टाइम ऑफ द प्लेस. और जहां पे ये दोनों आपस में मीट कर जाएंगे, फिर वेयर दीज लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड मीट्स, हाउ दे आर हेल्पफुल? दे आर हेल्पफुल टू लोकेट द प्लेस, जिसको हम ग्रिड कहते हैं. ठीक है, तो जहां पे ये आपस में मीट कर रहे हैं, फोकस है. अब ये ग्रिड की फॉर्म में बन गया, तो यहां पे जहां पे ये इंटरसेक्ट करके जो पॉइंट आता है, ग्रिड बनता है. दैट हेल्प यू टू लोकेट द प्लेस, प्लेस को लोकेट करने के काम आ रहा है ना. हम ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं, वी स्टडीड अबाउट इमेजिनरी लाइंस आल्सो, वी स्टडीड अबाउट लैटिट्यूड्स, वी स्टडीड अबाउट लॉन्जिट्यूड्स. सो हाउ दीस लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स हेल्पफुल टू अस? दे हेल्प अस टू नो अबाउट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, दे हेल्प अस टू नो अबाउट द टाइम, एंड दे आल्सो हेल्प अस टू लोकेट द प्लेस. सो नाउ लिसन अगेन, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स कैसे आपने करने हैं? तो जो लैटिट्यूड है, सबसे पहले जो इक्वेटर है, दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर. एंड यस्टरडे आई हैव गिवन वन होमवर्क टू यू कि आपने मुझे बताना था विच कॉन्टिनेंट्स लाई एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विच कॉन्टिनेंट्स लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वेटर, दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ. दिस इज तो आप कैसे बताओगे? सो लेट मी आस्क, हु इज गोइंग टू टेल मी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटायरली, मतलब पूरा का पूरा पोर्शन उनका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है? यस मंजोत, नॉर्थ अमेरिका और इट्स ओनली नॉर्थ अमेरिका. नवल, नवल ओके, हिमांशु मैन, यूरोप, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. बेटा आप कहीं को लगेगा एशिया भी आता है ना, बट सम ऑफ द आइलैंड कंट्रीज दैट आर आल्सो नॉट कमिंग अंडर द, वो कहां पे आ रहा है? वो सदर्न हेमिस्फीयर में कवर हो रहे हैं. तो जो एशिया है, दैट इज नॉट एंटायरली द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न. हाँ, आर कंट्री इंडिया इज लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पर जो एशिया कॉन्टिनेंट है, दैट इज नॉट एंटायरली लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो उसके आइलैंड कंट्रीज हैं, जो सिंगापुर वाली साइड को आप देखो, तो वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं. सो व्हाट अबाउट द सदर्न हेमिस्फीयर? सदर्न हेमिस्फीयर में कौन से कंट्रीज लाई कर रहे हैं? मैम ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका. नो, साउथ अमेरिका एंटायरली नहीं है. एंटायरली मतलब कंप्लीटली, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, सो जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे हमारे नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, ये कॉन्टिनेंट्स हैं जो कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. एशिया एंटायरली नहीं है, क्योंकि कुछ इसके जो आइलैंड कंट्रीज हैं, दैट आर द पार्ट ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, ऑलमोस्ट काफी सारा पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, बट सम पार्ट लाई इन द सदर्न हेमिस्फीयर. और सदर्न हेमिस्फीयर में कौन से कौन
कॉन्टिनेंट्स आ रहे हैं? एशिया एंड अंटार्कटिका। और पता है आपको एशिया जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक कॉन्टिनेंट भी है, एक कंट्री भी है और एक आइलैंड कंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, सो नाउ लेट मी रिकैप्चुलेट द लैटिट्यूड वंस अगेन। सो दिस इज इक्वेटर, जो 0 डिग्री है, तो ये हमारा इक्वेटर है। तो अबव दैट वी आर हैविंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन वी आर हैविंग द आर्कटिक सर्कल, एंड वी नो दैट वी आर हैविंग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड देन वी आर हैविंग द एंटार्कटिक सर्कल। इनकी डिग्रीज भी मेंशन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल की 66.5 डिग्री नॉर्थ, और दिस इज द साउथ नॉर्थ पोल और इसकी है 90 डिग्री। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, एंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, और साउथ पोल में क्या है, दैट इज 90। सो दीज लैटिट्यूड्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और जो हमारे लॉन्जिट्यूड्स हैं दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो यहां से रन करेंगे। ठीक है, तो इन दिस वे अब ये मेलन की शेप में आ ओके, एंड लैटिट्यूड्स आर द कंप्लीट सर्कल्स, वेयर आर लॉन्जिट्यूड्स आर नॉट द कंप्लीट सर्कल्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड से हमें क्या पता लगता है, क्लाइमेट। ओके, लॉन्जिट्यूड से क्या पता लगता है, टाइम। पर जहां पे ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, दे फॉर्म द ग्रिड दैट हेल्प अस टू लोकेट द प्लेस, लोकेट द प्लेस, that help us to locate the place. ठीक है, so these longitudes, these latitudes are very much important. अब जैसे आपकी बुक में एक example दे रखा है, दो cities के नाम दे रखे हैं, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजोंटो इन ब्राजील। अब ये सेम पैलेस पे हैं, सेम latitudes पे हैं, 20 degree, दोनों का latitude सेम है, पर उन्होंने क्या कहा है, difference कहाँ पे आता है, कि जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि इंडिया नॉर्थ में है, ठीक है, तो 20 डिग्री नॉर्थ उसके साथ एन लगेगा, जबकि जो बेलो हॉरिजॉन्टो है उसके साथ क्या लगेगा, 20 डिग्री साउथ। दोनों की जो डिग्रीज हैं दैट आर सेम, बट बोथ ऑफ दीज आर लाइन डिफरेंट हेमिस्फीयर। ठीक है, पहले वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो एन लगा है उसके साथ, दूसरे वाला सदर्न हेमिस्फीयर में है तो उसमें एस लगा है साथ में। ठीक है, एंड दीज लैटिट्यूड्स विद द हेल्प ऑफ दीज लैटिट्यूड्स एज वी कैन आल्सो कम टू नो अबाउट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं दैट हेल्प अस टू नो अबाउट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अब जो सन की रेज है इन सम एरियाज दे फॉल डायरेक्टली ओवर दैट एरिया, है ना, तो किस कुछ एरियाज में वो बिल्कुल सीधी पड़ती है, कुछ एरिया में थोड़ी सी स्लांटिंग है और कुछ एरिया में वो दैट आर एक्सट्रीमली स्लांटिंग। तो उस एरिया से उस जो सन की रेज है विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट कि पर्टिकुलर रीजन में किस तरह का क्लाइमेट होगा। तो जैसे अगर हम बात करें इफ इट इज इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इनके बीच का जो है दिस एरिया रिसीव्स द डायरेक्ट सन रेज, जिसको हम कहते हैं टोरिड जोन। टोरिड जोन लाइज बिटवीन द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो टोरिड जोन का कौन सा एरिया है, दैट इज फ्रॉम इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर है आपका 0 डिग्री एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो एरिया इनके इन लैटिट्यूड्स के बीच में आता है दैट एरिया रिसीव द डायरेक्ट सन रेज, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टोरिड जोन। एंड द एंटार्कटिक सर्कल, तो यहाँ पे जो एरिया है दिस इज योर टेम्परेट जोन, यहाँ पे जो सन रेज है दैट आर स्लांटिंग, यहाँ पे जो सन रेज है दैट आर स्लांटिंग। व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द पोल, आर्कटिक सर्कल एंड पोल, यहाँ वाला रीजन
एंटार्क्टिक सर्कल एंड टुवर्ड्स द पोल, ये जो रीजन है दैट रिसीव एक्सट्रीमली स्लांटिंग, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जो सन की जो रेज है बहुत ज्यादा स्लांटिंग हो जाती है, तो इतनी ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होती, तो दीज एरियाज आर फ्रोजन, ठीक है, इनको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो हम लैटिट्यूड्स हैं, जो हमने पढ़ा कि जो लैटिट्यूड्स हेल्प अस टू नो द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, सो वी कैन डिवाइड द वर्ल्ड इनटू थ्री हीट जोन. कौन से हीट जोन हैं हमारे? फर्स्ट इज टोरिड जोन, द नेक्स्ट वन इज टेम्परेट जोन and the last is frigid zone. जहां पे sun rays direct पड़ेंगी, that is the torrid zone. जहां पे थोड़ी सी slanting होंगी, वो होगा आपका temperate zone. जहां पे extremely slanting होंगी, that is frigid zone. Okay? So with the help of these latitudes, we can come to know about the climate of a place.